लगातार आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं, और रवाना जब हो रहे थे ये तब की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि समिट आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है, अहम क्यों है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। कजान ब्रिक्स समिट भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई मायनों में प्रियंका खास है, क्योंकि गैर यूरोपीय ग्रुप में शामिल होता है इसकी प्रतिबद्धता। बिल्कुल, और आपको बता दें यहीं से कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तीसरे कार्यकाल में मोदी का ये दूसरा रूस दौरा है जो कि बहुत खास है। मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात यहां पर होनी है। आपको बता दें मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर जंग चल रही है, और इसी मुहाने पर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी जिनपिंग पर दुनिया की नजर है कि चीन और भारत की अगर बातचीत मुलाकात होती है तो किन मुद्दों पर होगी। ईरान के साथ ही द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और भारत और टर्की के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है इसी दौरान, इसलिए आप भी लगातार बता रही हैं कि क्यों ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और समिट इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुलाकात यहां पर हर मोर्चे पर होगी। साथ ही जो युद्ध आप देख रहे हैं कई देशों में है, रूस यूक्रेन की बात करें, इधर आप देख रहे हैं कि ईरान इसराइल हमास हिजबुल्ला इन सभी चीजों को लेकर के भी यहां पर बातचीत हो सकती है, यानी कि शांति को लेकर के भी, अर्थव्यवस्था को लेकर के भी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा यहां पर होने वाली है। बिल्कुल, और इसी मुलाकात पर सबकी नजर है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे, अगले दो दिनों तक वो रूस में ही मौजूद रहेंगे। वहीं रूस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान के लिए रवाना हो रहा हूं। भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है और मैं अलग अलग विषयों पर व्यापक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं वहां अलग अलग नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आप देखिए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट होता है, पोस्ट होता है जिसमें बताया कि कितनी उत्सुकता है, कितना इंतजार इस मीटिंग का रहा, और अब जब ये ब्रिक्स में पीएम मोदी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं तो भारत के लिए ये दौरा कई मायनों में खास है। और आपको बता दें कजान में ये मंच सजा है, 16वां सम्मेलन है, मोदी और पुतिन की मुलाकात यहाँ पर होने जा रही है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, और साथ ही कई और देशों के नेताओं से भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता इस शिखर सम्मेलन में होनी है। आपको हमने ये बताया कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन आज दोपहर रूस पहुंचने के बाद मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। आज रूस में गूंजेगा मोदी मोदी, भारत माता की जय के नारों से गूंज उठेगा कजान। जब रूस में वर्ल्ड लीडर्स से मिलेंगे नरेंद्र मोदी तो दुनिया देखेगी भारत का दम। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 1 बजे तक रूस के कजान शहर पहुंच जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे तक होटल पहुंचेंगे जहां भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे पहली द्विपक्षीय बैठक होनी है, दूसरी बैठक शाम करीब 7:45 पर होगी। इसके बाद रात 9:30 बजे पीएम मोदी कजान सिटी हॉल पहुंचेंगे जहां ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह है। आपको बताएं कि ब्रिक्स संगठन 9 सदस्य देशों का संगठन है जिसका मकसद विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तालमेल कायम रखना और उनके साथ राजनीतिक संबंध को बेहतर बनाना है। इस बार 16वें ब्रिक्स सम्मेलन को रूस होस्ट कर रहा है जिसमें 16 हाई लेवल के गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप अर्दोगान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद शामिल हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के सबसे खास मेहमान हैं। वैसे तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का मंच वर्ल्ड नेताओं से सजा होगा, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, क्योंकि मोदी और जिनपिंग रूस में मिलने वाले हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है ब्रिक्स समिट पर, लेकिन ब्रिक्स समिट क्यों खास है अब ये बता देते हैं, क्योंकि इन देशों की जो आबादी है वो 45% है, लगभग 3.5 अरब लोग इन देशों में रहते हैं, व्यापार में इन देशों की जो भागीदारी है वो 40% है। इसके पहले हमने आपको बताया कि आखिरकार भारत का जो व्यापार है, आयात निर्यात, वो किस तरीके से होता है। अर्थव्यवस्था में इन देशों का योगदान 26% है, वर्ल्ड वाइड ये बात कर रहे हैं। तेल उत्पादन और निर्यात में 40% जो सहभागिता है वो इन देशों के द्वारा दर्ज करवाई जाती है, और यही वजह है कि ब्रिक्स अहम है कि आखिरकार यहां पर क्या फैसले लिए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भी यहां पर बात होती है और इसके साथ साथ व्यापार पर भी बात होती है, व्यापार के साथ साथ शांति समझौते को लेकर के भी बात होती है। और कई ऐसे समिट है इसके पहले भी जब इसके हुए हैं, सत्र हुए हैं, तो उस दौरान भी इन समिट पर इसी तरीके से नजर बनी रही है, क्योंकि कई खास जो यहाँ पर निर्देश है वो दिए गए थे। लेकिन बात इसी के साथ कर लेते हैं कि ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन LAC विवाद को लेकर के अहम समझौता इनके द्वारा किया गया है। LAC से सेना हटाने पेट्रोलिंग के लिए भारत और चीन के बीच में सहमति हो गई है। क्या सहमति हुई है इस रिपोर्ट में समझाते हैं। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर गश्त फिर से शुरू करने के समझौते पर पहुंच गए हैं। समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचो क्षेत्र में दोनों पक्ष फिर से पेट्रोलिंग करेंगे। LAC से दोनों देश अपनी सेनाओं को भी पीछे हटाएंगे। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. पेट्रोलिंग के लिए सहमति बनने का ये बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से शुरू हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। 2020 में गलवान में हुई झड़प से पहले भारत और चीन के बीच टकराव का जो भी कारण था, उनका हल तलाशने में महीनों से दोनों पक्षों की तरफ से महत्वपूर्ण प्रगति की गई। समझौते के बाद भारतीय सैनिक उन पेट्रोलिंग पॉइंट पर जा पाएंगे जो विवाद का कारण थे। अब तक एक धारणा थी कि उभय पक्ष जब पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा ना हो कि पेट्रोलिंग पार्टी आपस में ही कंफ्यूज होकर मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत एक दूसरे पर फायरिंग कर दें। हम नहीं चाहते, भारत और चीन अब नहीं चाहते ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो। इसी के लिए आज की जो सफल शर्तों के साथ जो संधि हुई है वह भविष्य में जमीन पर लागू की जाएगी। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन की सीमा 1597 किलोमीटर है। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में ही चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। इस दौरान भारतीय सैनिकों के साथ उनकी जोरदार झड़प हुई थी। माना जाता है कि इसमें 50 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की मौत की संख्या पर कभी खुलकर नहीं बोला। गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कहा जाता है कि इस इलाके में दोनों देशों के करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। यही वजह है कि सेनाओं के बीच एक असहज गतिरोध बना हुआ था। चाइना का परसेप्शन हमारी तरफ है, कहीं पे हमारा परसेप्शन चाइना की तरफ है। अब एक समझौता हुआ, वो ये कि हमारे लोगों को जहां पेट्रोलिंग पर जाने से रोक दिया गया